हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही बेसिक सवाल के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है उन सभी YouTube चैनल्स के द्वारा जिनका हाल ही में YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है। ऐसे में उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल होते हैं कि सबसे पहली बात तो हमें हमारी YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद अपने YouTube चैनल पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल YouTube वीडियोस में देख रखा होता है कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स का या यूट्यूबर्स का YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद भी उनके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर डिसेबल हो जाता है। क्रिएटर या फिर हम कहें यूट्यूबर खुद से ही ऐसी कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि उन्हें YouTube पर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो क्लास से जुड़ देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन यहाँ पर इनेबल होता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर अपनी YouTube वीडियोस को मोनेटाइज करने के। पहला तरीका तो यह है कि आप एक ही क्लिक में अपने YouTube चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस का मोनेटाइजेशन एक साथ इनेबल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप मैन्युअली खुद से एक एक करके अपनी उन वीडियोस का मोनेटाइजेशन सिलेक्ट करें जिनको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं या जिनसे आप रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं कि उन्हें इसमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो यदि आपके YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल होता है तो आपको अपने YouTube चैनल पर अवेलेबल सभी वीडियोस पर मोनेटाइजेशन को इनेबल कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियोस पर मोनेटाइजेशन इनेबल होगा उतने ही ज़्यादा एड्स आपके YouTube चैनल पर आएंगे और उससे उतनी ही ज़्यादा आपकी YouTube चैनल पर कमाई होगी। तो इसके अलावा दोस्तों, मोनेटाइजेशन के बहुत सारे फीचर भी होते हैं, जैसे कि सुपर चैट हो गया, सुपर स्टिकर्स हो गया, चैनल मेंबरशिप हो गया। इस तरह के जितने भी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड फीचर होते हैं ये सभी के सभी आपको इनेबल कर देना चाहिए, ताकि इन सभी माध्यम से भी आपकी जो कमाई है वो यहाँ पर हो सके। तो एक तो ये तरीका हो गया जिस तरीके से आप अपने YouTube चैनल पर कमाई बढ़ा सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद जो YouTube चैनल के व्यूज़ हैं वो प्रभावित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद मेरे YouTube चैनल के व्यूज़ जो हैं वो डाउन हो गए हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद मेरे YouTube चैनल के जो व्यूज़ हैं वो तो बढ़ने लगे हैं पर यहाँ पर अर्निंग नहीं हो रहा है। और काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये होता है कि मेरा YouTube चैनल तो मोनेटाइज हो गया है लेकिन यहाँ पर जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, तो ऐसे में मुझे अपने YouTube चैनल पर क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो कभी भी आपके YouTube चैनल के एनालिटिक्स को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि अगर आपके YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या कम आएंगे। आपका YouTube चैनल यदि ग्रो करता है, उस पर व्यूज़ आते हैं, आपके चैनल को अच्छा खासा एंगेजमेंट मिलता है, तो ये एक अलग चीज़ है और जो मोनेटाइजेशन है वो एक अलग फीचर है। तो मोनेटाइजेशन कभी भी आपके YouTube चैनल के ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता है, ना ही मोनेटाइजेशन इनेबल होने से किसी भी YouTube चैनल पर व्यूज़ बढ़ते हैं और ना ही मोनेटाइजेशन इनेबल होने से किसी भी YouTube चैनल के व्यूज़ डाउन होते हैं। हाँ, यहाँ पर जो अर्निंग का सिलसिला है, ऑलमोस्ट जो मैंने अपने YouTube चैनल पर एक्सपीरियंस किया है और मैंने कुछ YouTube चैनल्स पर भी देखा है, अब ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग व्यूज़ के हिसाब से हो सकता है, बट ऑन एवरेज मेरे YouTube चैनल पर मुझे 3,500 से लेकर 4,000 व्यूज़ पर $1 अक्सर देखने को मिल जाता है। यानी आपके YouTube चैनल पर या आपकी YouTube वीडियो पर 3,500 से लेकर 4,000 तक व्यूज़ यदि आते हैं तो उस स्थिति में आपके YouTube चैनल पर $1 बनता है। तो इसी हिसाब से दोस्तों, जितने ज़्यादा व्यूज़ आपके YouTube चैनल पर आएंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर आपके डॉलर बनेंगे, और जितने ही कम व्यूज़ आपके आएंगे उतने ही कम यहाँ पर डॉलर बनेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप अपने YouTube चैनल की जो रेवेन्यू है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर व्यूज़ को बढ़ाना होगा, उसके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को अपलोड करना होगा, तभी आप यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको अपने YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं जो कि मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद बिल्कुल भी आपको अपने YouTube चैनल पर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, जब भी आपकी YouTube चैनल पर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होता है उसके बाद आपको रेगुलरली वीडियोज़ को अपलोड करते रहना चाहिए, जैसे कि आप पहले भी कर रहे थे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारे YouTube चैनल पर जो पहले व्यूज़ आए हैं मोनेटाइजेशन के पहले, क्या हमें उसका रेवेन्यू मिलेगा? तो उसका रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस दिन से आपकी YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ है उस दिन से लेकर उसके बाद का ही रेवेन्यू आपको मिलता है। हाँ, आपकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं जो कि पहले से YouTube पर चल रही हैं, यदि आप अपने YouTube चैनल पर सभी वीडियोज़ पर मोनेटाइजेशन इनेबल करते हैं तो आपको आपकी पुरानी वीडियोज़ का भी रेवेन्यू मिलता है और जो आप नई वीडियोज़ को अपलोड करेंगे उनका भी रेवेन्यू यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन जो व्यूज़ आपको मोनेटाइजेशन से पहले आपके YouTube चैनल पर आए हैं उनका यहाँ पर आपको कोई भी रेवेन्यू
नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको यहाँ पर अक्सर ध्यान देना चाहिए। कई बार बहुत सारे क्रिएटर क्या होते हैं, अपने YouTube चैनल पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे ग्रुप्स का, ऐप्स का या फिर वेबसाइट का सहारा लेते हैं। तो यदि आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है तो उसके बाद आपको इन ग्रुप, ऐप या फिर वेबसाइट का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मोस्टली केसेस में इसी की वजह से काफ़ी सारे YouTube चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी आ जाती है और इसी की वजह से उनके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन जो है वो यहाँ पर डिसेबल हो जाता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ से बचना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इससे पहले खुद से अपनी वीडियोज़ को देखते रहे हों, यदि अलग अलग डिवाइस से, जो कि काफ़ी सारे लोग ये भी करते हैं, तो मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में यदि कोई ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे आप लगातार वीडियोस को अपने देखते रहे हो या लोगों के मोबाइल को लेकर उससे अपनी वीडियोस को देखते रहे हो, तो मोनेटाइजेशन के बाद आपको खुद से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो एक जेन्युइन तरीका होता है यूट्यूब पर ग्रो करने का या यूट्यूब पर बढ़ने का, उसी तरीके से आपको अपनी चैनल को ग्रो करना चाहिए और अपने YouTube चैनल पर वीडियोस को बढ़ाना चाहिए। सो आई होप दोस्तों मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब को मिल गए होंगे। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।